पीडब्ल्यूडी 313 सब डिवीजन अलीपुरगी बड़ी लापरवाही, शाहपुर के पास बना हादसा पॉइंट, शाहपुर गड़ी के पास कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, ठेकेदार डबास ने 8 फीट गड्ढा खोदकर छोड़ रखा है, लापरवाही सड़क पर गड्ढा होने के कोई संकेत नहीं है। परवीन भाई जी आपका? आनंद सक्सेना। कहाँ से आए थे आप? मैं कहाँ जा रहे थे? पलातपुर। कैसे क्या हुआ है? अब ये यहाँ से चढ़ गई मिट्टी के ऊपर। तो दिखाई नहीं दे रहा ये? नहीं एकदम दिखाई पड़ रहा है। कोई संकेत भी नहीं है इसके ऊपर? कुछ नहीं है यहाँ, कोई संकेत नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हैं नरेला से अलीपुर को जाने वाला रोड है और ये शाहपुर गढ़ी के बिल्कुल स्टैंड के पास के गांव के कट के पास में ही ये मिट्टी का ढेर यहाँ पड़ा हुआ है और जो पीडब्ल्यूडी और वाटर सप्लाई की कारिस्तानी के कारण ये मिट्टी का ढेर यहाँ पड़ा हुआ है। कोई संकेत नहीं है दूर से दूर तक कि क्या है क्या नहीं है। और ये इसकी वजह से अभी बाइक सवार और भी गाड़ी वाले जो है यहाँ चोटिल हो रहे हैं। प्रवेश कुमार कहाँ के? यहाँ पे शाहपुर गढ़ी। क्या है ये यहाँ पे? क्या मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और काफ़ी दिन हो लिए और ये काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसकी वजह कोई संकेत दे रखा है, कुछ लगा रखा है या कुछ काम चल रहा है? नहीं चल रहा। संकेत दे रखे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं है? ऐसा भी बाइक वाला गिर गया यहाँ, ज़्यादा चोट लगी थी। हाँ हाँ, और इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी आप देख रहे हैं शाहपुर गढ़ी के पास में ये जो है गड्ढा है और यहाँ पे मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है और इस पर कोई संकेत नहीं है किसी किस्म का भी। जी, क्या नाम भाई जी आपका? विजेंद्र खत्री। विजेंद्र जी, ये एक्सीडेंट हो, ठेकेदार को बोल लिया। कौन सी कुछ ना करता, किसका हो रहा है ये? किसका? पीडब्ल्यूडी का, एमसीडी का है, किसका है? ये किसका है, लेकिन ये रोड पे खुला छोड़ रखा है। और कितने दिनों से है? परसों भी रोड, कल भी पड़े दो मोटरसाइकिल वाले, हमने शाम को रोज घूमते हैं यहाँ पे और भाई रोज पड़े हैं। अब ये आपके सामने एक पड़ रहा है। कितने दिन हो गए इसको हुए? इसके ये तीसरा दिन है। ऐसे पड़ा हुआ, ये ऐसे ही पड़ा हुआ रोज अलग जाए वन रोड पर लाइट लग गए, इसमें कोई टकरा कर। कोई संकेत भी नहीं इसका? कोई संकेत नहीं दे रखा कुछ। यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, इसी का कोई डायरेक्शन नहीं है। ये वाटर सप्लाई का है या पीडब्ल्यूडी का है इसका भी कोई पता नहीं है, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे जो है हादसा हुआ है। और यही कारण है कि यहाँ पर कई बाइक वाले कई गाड़ी वाले यहाँ चोटिल हो रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ जिस तरह गाँव के लोगों ने बताया है कि यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं और अधिकारियों को और सबको जो है वो बोल चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके फिर भी कोई जो है इस चीज़ की तरफ देखने वाला नहीं है। ये मैं इस समय मौजूद हूँ शाहपुर गढ़ी के गेट के सामने और ये अलीपुर से नरेला को जाने वाला मार्ग है और नरेला से अलीपुर को जाने वाला मार्ग है। इस पर मैं आपको बता दूँ, जब नरेला से अलीपुर की तरफ जाते हैं तो शाहपुर गढ़ी के बिल्कुल गांव के गेट के पास में ही ये गड्ढा खोदा हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी ने खोदा है या वाटर सप्लाई ने खोदा है ये पता नहीं है, लेकिन इसको कई दिन हो गए यहाँ खोदे हुए। अभी हम यहाँ से निकले तब एक जो है बाइक सवार, उसको यहाँ कोई नज़र नहीं आया, कोई संकेत नहीं है किसी किस्म का भी कि यहाँ पर कोई गड्ढा खोदा गया है। और यही नहीं, कई तकरीबन जो है एक डेढ़ साल से ये दूसरी साइड में गड्ढा खोदकर छोड़ा हुआ जो नाला बना रहे थे, आधा नाला बना आधा नहीं बना, कभी कहीं बना कभी कहीं नहीं बना, और उसी उसको जो है क्या नाम है ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और यहाँ रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होते हैं। लगता है प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का शिकार जो है इंतजार कर रहा है कि कोई बड़े हादसे का शिकार होगा तब जाके जो है वो नींद से जागेंगे। और अभी मैं बता दूँ यहाँ पर जो है क्या नाम, अभी एक बाइक सवार अभी बेचारा जो है वो एकदम स्पीड से वो आ रहा था और सामने से कोई लाइट लगी और उसको जो है कुछ नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एकदम से सीधा इस गड्ढे के अंदर इस मिट्टी के ढेर के अंदर जाकर घुस गया, जिसकी वजह से उस बेचारे को जो है कुछ ना कुछ चोटें आई हैं, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति ठीक है। और यही हालात रोज़ बताया जाए, जैसे शाहपुर गढ़ी के लोगों ने बताया कि ऐसे अमूमन यहाँ रोज़ हादसे होते हैं लेकिन प्रशासन जागता नहीं है। देखना होगा कि प्रशासन अपने गहरी नींद से कब जागता है कि तब वो जागेगा जब यहाँ पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। टैलेंट बने रोहतास सिंह योगी। अभी ये संकेत जो है हमने लगाए हैं जबकि प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूं गहरा गड्ढा, अभी ये देखिए ये गहरा गड्ढा है। अगर रात के समय में अगर किसी को दिखाई नहीं दिया तो यहाँ कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ये आप देख रहे हैं कि
जो वाहन आ रहे हैं वाहन को कोई नज़र नहीं आ रहा कि सामने क्या है। अभी बाइक सवार निकल जा रहे हैं, बाइक सवारों को भी जो है तब पता लग रहा है जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और नहीं तो जो है सामने से आने वाले को कोई नज़र नहीं आ रहा। जब सामने लाइट लगती है तो कुछ भी नज़र नहीं आया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, 3-4 जो है यहाँ पर पाइप डाले गए हैं, और जो यहाँ पर आप ये देखिए, अगर ये रात के समय में सामने लाइट लगी तो ये पाइप भी नज़र नहीं आया, इस पर भी कोई संकेत नहीं दिया गया है। तो ये बड़े हादसे का जो है कारण बन सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा है, जिसकी वजह से यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो गया। ये देखिए, यह स्टैंड है बस स्टैंड शाहपुरगढ़ी का, और यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और यहाँ आप ये देख रहे हैं गड्ढा खोदा गया है, और ये जगह जगह पत्थर ये सब जो है हमने यहाँ से हटा दिया है। ये बाहरी संख्या यहाँ पत्थर पड़े हुए थे, और बाइक सवार सीधा आकर यहाँ जो है लगा था, और जिसकी वजह से क्योंकि सामने से कुछ नज़र नहीं आता तो यह हादसा होना अमूमन है।